हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोठारी कार वाला। तो आज की वीडियो होने वाली है वो होगी एक विंटेज कार के ऊपर। जो विंटेज कार अब आने लगी है ये है फीएट की पद्मिनी। जो फीएट पद्मिनी कार है वो पाल पद्मिनी भी कहा जाता है। उसको पाल पद्मिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती थी, तो इसलिए एल प्रीमियर भी कहा जाता है इसको। 1100 सीसी का इंजन होता है। इसके जो गियर्स होते हैं वो हैंड गियर होते हैं, 4 गियर्स होते हैं इसमें। 1964 में जो इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी, 2000 तक इसकी जो है प्रोडक्शन रही थी। तो ये विंटेज कार ऐसी कार है जो अगर आप इसको अगर कहीं पब्लिक एरिया में लेके जाते हो तो यहाँ जो लोग हैं इसको देखते देखते रहते हो। इनकी जो ऑनर है उनसे भी मिलवाऊंगा मैं आपको। पहले आप जो इसके सिनेमैटिक शॉट्स हैं आप वो एंजॉय कर लीजिए। इसमें 1100 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि जनरेट करता है 47 bhp की पावर। और जो इसका टॉर्क होता है वो 71 nm का जो है टॉर्क है जनरेट करता है 1100 सीसी का है। तो अभी हम आए थे, इतना ज़्यादा रिफाइंड इंजन है कि आवाज़ ही नहीं कर रहा था गाइज। ये उस समय जो कह सकते हैं 1960 से लेके 1980 तक, उस टाइम सिर्फ दो ही कार मानी जाती थी, एक तो हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर और एक जो दूसरी थी फीएट की पद्मिनी। बाकी गाइज अगर आप फ्रंट से इसकी फ्रंट की लुक की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रखा है इसको। तो सबसे पहले देखा जाए कि जो इसके अगर हम यहाँ आते तो इसमें एक हैलोजन राउंड शेप में बल्ब मिलता है। इसका हैलोजन हेडलाइट है जो राउंड शेप में है। बाकी इसके बाद नीचे जो इंडिकेटर्स आते हैं ऑरेंज कलर में, और जो ये क्रोम का जो है बम्पर दिया जाता था स्टील में। जो नंबर है इसका वो भी काफ़ी फैंसी VIP नंबर है HNX 48। यहाँ आपको पाल की बैजिंग आ जाती है जो मैंने जैसे कि आपको बताया प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, तो इसलिए यहाँ पाल की बैजिंग आ जाती थी। इसकी अगर साइड प्रोफाइल की बात करी जाए तो इसमें क्रोम की एक लेयर हुई हुई है जो स्टार्ट से लेके एंड तक जाती है। बहुत अच्छी जो इसकी विंटेज लुक, आज भी बहुत ज़्यादा पसंद करी जाती है इसको। और इसके अगर टायर्स की बात करी जाए तो टायर्स जो हमें यहाँ इसमें अलॉय व्हील्स उस टाइम तो नहीं थे, तो व्हील कप आता था, ये व्हील कप है। तो जो इसके टायर्स साइज़ की बात करी जाए तो 165/80R14 का जो है इसमें हमें टायर मिलता है। तो जो इसका स्टॉक टायर है वो 14 इंच का ही होता था। बाकी इसमें जो 1100 सीसी का इंजन लगा हुआ है, इसकी जो टॉप स्पीड बताई गई है 125 की जो इसकी टॉप स्पीड है वो है। बाकी पीछे से आप इसका लुक देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन लग रही है, नंबर बहुत। और ये जो कार है वो पूरी हमने एज अ जो स्टॉक आती है वही रखी हुई है, सिर्फ एक रीपेंट हुई हुई है और बहुत ज़्यादा अच्छे लुक में है। आपको अगर इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ मैं गाइस, ये इंटीरियर है, ये हम आ गए अंदर गाइस। ये इसका इंटीरियर है, फुली मेटल में है, चेक कर सकते हो ये मेटल में। अब आज की जो कार्स है उस पर देखने को नहीं मिलेगा कि मेटल में। ये ग्लव बॉक्स है, ये गाइस ये ग्लव बॉक्स है, चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे। और यहाँ आपको जगह मिल जाती है रखने के लिए, कोई भी आप सामान रख सकते हो। बाकी गाइज आप अगर नोट करोगे तो यहाँ गियर नहीं मिलते, जिसको नहीं पता गियर यहाँ नहीं मिलते। इसके गियर हैं ये हैंड गियर है, 4-स्ट्रोक जो इसका इंजन होता है हैंड गियर होता है। बाकी अभी चला के देखेंगे। यहाँ आपको जो है टेम्परेचर मीटर मिल जाता है, यहाँ आपको फ्यूल इंडिकेशन के लिए कि आपका फ्यूल कितना है। बाकी यहाँ आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, जिसकी यहाँ स्पीडोमीटर में 140 की जो स्पीड है मेंशन कर रखी है, लेकिन स्पीड जो है 125 तक जाती। तो गाइज यहाँ आपको जो है वाइपर के मोड मिल जाते हैं, दोनों वाइपर चलाने के बटन है। यहाँ आपको लाइट है, ब्राइटनेस करने का है। बाकी अगर आप साइड में चेक कर सकते हो
तो ये देखिए, ये शीशे नीचे ऊपर करने के लिए गाइज, यहाँ से आप दरवाज़ा वगैरह खोल सकते हो, ऊपर करके ये खुल जाता है और ये नीचे लॉक हो जाता है। तो यहाँ आपको एक एस्ट्रे मिल जाता है गाइज, ये देखिए एस्ट्रे है। आज तो कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन पहले में लोग काफ़ी यूज़ करते थे इसको। तो गाइज ये आपको पीछे देखने के लिए मिरर मिल जाता है, ठीक है, रियर व्यू मिरर। और यहाँ आपको लाइट मिल जाती है छत पे, ठीक है, जो भी वर्किंग में नहीं है आई थिंक। बाकी पीछे से इसकी सीट्स देख सकते हो, बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और जो ये तीन लोगों के आगे बैठने के लिए सीट बनाई गई है, यहाँ आप पीछे देखोगे यहाँ भी तीन लोग बैठ सकते हैं आराम से। और जो ये इसकी सीट है, सीट में काफ़ी ज़्यादा कुशनिंग, बहुत ज़्यादा मतलब आई थिंक स्प्रिंग्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल रहती है ये कार। ये अपना पाल की बैचिंग यहाँ भी मिली है, ये हॉर्न इसका काफ़ी अच्छा है, स्टीयरिंग व्हील विंटेज की जो पूरी प्रॉपर लुक देता है। यहाँ एक बात है कि उस टाइम जो है एसी नहीं होते थे, इसमें एसी नहीं है। तो ये 1996 मॉडल है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अंकल ने बहुत ज़्यादा मतलब प्यारी इसको जो है बना के रखी हुई है। ये जो कार है ये इसने 1970 से लेकर 1980 तक पूरे जो ऑटोमोबाइल मार्केट में रूल करा था, बहुत ज़्यादा ये कार पॉपुलर थी। कई जो इसके मतलब सेलिब्रिटीज़ हैं, रजनीकांत और आमिर खान ने भी ये कार को जो है फर्स्ट लिया था। ये जो पद्मिनी कार है इसका नाम रखा गया था 14th century में, जो राजस्थान में एक रानी थी उसके ऊपर जो इसका नाम रखा गया था पद्मिनी। तो ये जो कार बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, अगर आज भी हम इसको मार्केट में या जो पब्लिक एरिया में लेके जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देती है। जो एवरेज है इसमें 1100 सीसी का इंजन मिलता है, तो जो इस एवरेज देती है, तो वैसे जो क्लेम करा जाता है कि 18 की एवरेज देती है। इसकी अगर डायमेंशंस की बात करी जाए तो इसका व्हील बेस 2340 mm का है, और जो इसकी लेंथ है वो है 3905 से लेके 3940 mm की, 1460 mm की विड्थ है, और जो इसकी हाइट है वो है 1470 mm की, 895 kg जो इसका कर्व वेट है। तो गाइज अगर इसके बैक प्रोफाइल की बात करी जाए तो यहाँ आपको इसके लाइट्स मिल जाती है दोनों साइड, नंबर प्लेट इधर मिल जाएगा, और यहाँ आपको प्रीमियर की बैजिंग मिलेगी, नीचे इसके पद्मिनी की बैजिंग मिल जाएगी, वापस वही क्रोम का जो आपको इसका बम्पर मिलेगा, यहाँ आपको ये रबर मिल जाएगा, ये वाला पोर्शन रबर मिल जाएगा, यहाँ आपको टेल लाइट मिल जाएगी इसकी। गाइज इसका बूट स्पेस चेक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा जगह मिल जाएगी। अगर इसके नीचे बात करोगे तो एक स्पेयर व्हील मिल जाएगा, स्पेयर व्हील आप यहाँ रख सकते हो स्टेपनी के लिए। गाइज अब हम मिलते हैं सुरेंद्र कुमार डावर जी से, जो इस कार के ऑनर है। सुरेंद्र कुमार डावर जी कैसे हो? बहुत बढ़िया। आप ये बताओ कि आपको इस गाड़ी का शौक कैसे पड़ा? ये काफ़ी टाइम से मैंने 18 साल की उम्र से फीएट गाड़ी रखनी शुरू की है। अच्छा, और मैं 3-4 गाड़ियां ले चुका हूँ और बेच चुका हूँ, लेकिन फिर मैंने बीच में बेच दी, बच्चे कहने लगे नहीं, उन हमारे पास 3-4 गाड़ियां और भी हैं, लेकिन फिर मैंने बच्चों को कहा जो मज़ा मुझे पुरानी फीएट में आया है वो इनमें नहीं आता, तो मैंने ढूंढी इसको, दोबारा ढूंढी मैंने, 10 साल पहले मैं काफ़ी ढूंढता रहा, अब मुझे मिल गई है गाड़ी, क्योंकि 4 साल से मेरे पास ये है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी चलती है, जम के चलती है, और मैं इसमें बैठ के ऐसे लगता है जैसे मैं जन्नत में बैठा हूँ, पुरानी यादें मेरे को ताज़ी हो जाती हैं, तो मैं इनसे बात करता हूँ, जब तक इससे बात ना करूँ चलाते चलाते अकेला होता हूँ और इनसे बातें करता रहता हूँ, कैसी हो मेरी गाड़ी, क्या है, कोई इस पर स्क्रैच भी लग जाए तो मुझे ऐसे लगता है पता मेरे को लग गया। गाइस जैसे कि आपने सुना कि डावर जी के पास 3-4 गाड़ियां और हैं, लेकिन वो आज की गाड़ियां, लेकिन इनको जो विंटेज, इनको अपने टाइम की जो गाड़ियां वो बहुत पसंद है, और इस गाड़ी से इनका काफ़ी लगाव है, और जब ये गाड़ी में कभी ड्राइव करते हैं तो कई बार इनसे बात भी करते हैं, तो ये हर किसी के साथ होता है जिनको अपनी कार और बाइक बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो डावर जी, तो अब ये बताओ ये गाड़ी आप कब से है और कोई प्रॉब्लम आज तक इसके बारे में? नहीं, मुझे अच्छा लगता है जब मैं गाड़ी चंडीगढ़ में चलाता हूँ तो लाइटों के पास कहीं रुकती है तो मुझे पूछते हैं, अंकल जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी गाड़ी है आपकी,
मतलब हमें भी पसंद है। बिल्कुल, अंकल जी ने हमें एक बात बताई कि अंकल जी एक रेड लाइट पे रुके हुए थे तो मर्सिडीज आई, तो मर्सिडीज का जो शीशा है वो नीचे करके एक लेडी ने इनके जो कार की तारीफ करी और थम्स अप भी करा, तो ये अंकल जी जब ये ऐसा कुछ होता है तो कैसा लगता है आपको? लगता है भी सारी मतलब मर्सिडीज भी इसके आगे कुछ नहीं है, मर्सिडीज भी कुछ नहीं है। मन को इतनी संतुष्टि मिलती है, सुकून मिलता है कि मैं मुतमिन हो जाता हूँ ये बात सुन के। और कई कहते हैं अंकल जी अगर आप कहो तो हम फोटो खींच लें, मगर खींच लो बेटा कोई। बिल्कुल, अभी हमने यहाँ जब गाड़ी लेके आ रहे थे सारे गाड़ी मतलब ऐसे बार बार ऐसे देख रहे थे बाइक्स वाले कार्स वाले सारे, और अंकल जी आपने कार को मेंटेन भी बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है, वो कैसे किया आपने मेंटेन इतना अच्छे? ऐसे है कोई पार्ट्स मतलब कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं साथ के साथ ठीक करा लेता हूँ और पार्ट्स मिल जाते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन मैं इसको ख़राब भी नहीं रहने देता, खाना नहीं खाता, लेकिन मैं इसको पहले ठीक करा के रखता हूँ। मैं कहीं भी ले जाऊँ इसको 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर कभी प्रॉब्लम नहीं आई चलाने में, बड़ी जितनी ये तेज़ चलती है उतनी जम के चलती है, रोड को पकड़ लेती है ये। बिल्कुल, मतलब जिसे कहते हैं ना क्या बोलते हैं, अगर आप स्पीड में कार चलाते हो तो एक कार का जो है डिसबैलेंस होता है, तो अंकल जी कहना चाहते हैं कि डिसबैलेंस बिल्कुल नहीं होती, बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो कार है चलती है। और अंकल जी इस कार का आपको कोई नुकसान या कभी ऐसा लगा हो कि कुछ प्रॉब्लम आई हो, कि दुखी हो गए हो? ऐसा ना ना ना, दुखी होने वाली बात नहीं है, दुखी तो मतलब कि कभी भी नहीं आई है। बाकी मशीनरियाँ कभी ख़राब हो भी जाती है लेकिन ठीक करवा के चल जाती है, आज भी इसके पार्ट्स मिल जाते हैं, थोड़े मुश्किल से मिलते हैं लेकिन मिल जाते हैं। मतलब अंकल जी फीएट पद्मिनी के प्राउड ओनर हैं, वो इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते। तो गाइस अब चलते हैं हम अंदर और करते हैं अंकल जी गाड़ी स्टार्ट, देखते हैं कैसे ड्राइव होती है, और काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है मज़ा आने वाला है क्योंकि हम आए इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो चलो चलते हैं अंदर। तो गाइस अब अंकल ने कर दिया स्टार्ट, ये फर्स्ट गियर लग गया अंकल जी और ये चल रही है। वाओ, ये दूसरा गियर लग चुका है, फोर गियर की गाड़ी है और फोर सिलेंडर इंजन है इसका, पर सिलेंडर टू प्लग्स मिलते हैं इसमें, बहुत सही लग रहा है, विंटेज कार, मज़ा तो बहुत आ रहा है। ये सिक्योरिटी गार्ड रोक रहा है, ये तो रोकने लग गया। हाँ जी नमस्कार सर, गाड़ी बहुत अच्छी है। अरे वाह, थैंक यू, हम गाड़ी की वीडियो बना रहे हैं। फोटो खींचो यार, खिंचवाओ अंकल जी, खिंचवाने देना फोटो, दो फोटो खिंचवा ले। हाँ ठीक है, आप खिंचवा सकते हैं, एक फोटो खिंचवा लो, चलो जल्दी से। ठीक है तो खिंचवा लो भैया आप फोटो। ठीक है, हम वैसे भी शूट करने ही आए थे, दो फोटो खिंचवा लो आप, संजीत भैया की फोटो क्लिक कर देना एक फोटो। ये भैया संजीत हमारे फोटो क्लिक कर रहे हैं। आपने फोटो खिंचवाई, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कैसे मतलब कार कैसी लगी आपके? बहुत बढ़िया, बहुत देखी है जैसे। अच्छा टीवी पे देखी है। कोई बात नहीं भैया, अब आप खुद भी यूट्यूब पे आओगे देख लेना, भैया को हमारे चैनल का नेम बता देना। ठीक है, चलो ठीक है जी, ठीक है भैया, ओके। तो गाइज ये देखो, ये बंदे भी देख रहे हैं गाड़ी को। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताना। और अंकल जी ये गाड़ी आप सेल करना चाहते हैं गाड़ी अंकल जी, तो अगर आपको ये गाड़ी पसंद है, आपने शॉर्ट्स देख लिया, आपने इन्फॉर्मेशन ले ली है, अगर आपको ये गाड़ी पसंद है तो अंकल जी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ आपको स्क्रीन में आ रहा होगा, तो अंकल जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। तो अगर पसंद है तो अंकल जी से कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो। अंकल जी डिमांड कितनी है? 2.5 लाख में अंकल जी एक कार देंगे, और ये जो अमाउंट होएगा फिक्स होगा, 3-4 हज़ार रुपये कम ज़्यादा हो सकता है, कम ही हो सकता है, और ये फिक्स प्राइस रहेगा। तो अगर आपको ये कार पसंद है और अगर आप कार लेना चाहते हो तो अंकल जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो कॉल करके, और हमारे इस चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना,
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फर्स्ट करना, और जब भी आप सब्सक्राइब करो तो हमारे जो नोटिफिकेशन बेल आइकन को है वो जरूर दबा देना, क्योंकि जब आप वो दबाओगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी और ऐसी विंटेज कार्स, लग्जरी कार्स और कार्स की मॉडिफिकेशंस के ऊपर वीडियोस आती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना अपना।